घट्टो घट 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा यह जिथों गुरु साहब ने तीर चलाया। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। पहुंचे हैं जी गुरुद्वारा तीर साहिब। तीर साहिब जिवें कि तुहानू पिछली वीडियो दे विच दस्या सी कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने निर्मोहगढ़ साहिब बैठ के शाही टिब्बी के उत्ते तीर चलाया सी, जिहड़ा कि अस्थान अज गुरुद्वारा तीर साहिब के नाम नाल जाणिया जांदा। घट्टो घट 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा यह जिथों गुरु साहब ने तीर चलाया सी, क्योंकि इतों मुगल जो तोपची सी, इतों मुगल तोपची ने उत्थे गुरु साहब ते गोला दागिया सी, काफ़ी सिंह शहीद होए सी, तां गुरु साहब ने जवाबी तीर चलाया सी ते इत्थे ओह तोपची सी जो मुगल फौज का, इत्थे मतलब तीर मार के उसदा कतल किया गया सी। ते गुरुद्वारा तीर साहिब तुहानू दर्शन करवाउण लगे हाँ जी, ते नाल नाल तुहानू इतिहास नाल भी जिहड़ी सांझ पाई आ। ते इह आ जी गुरुद्वारा साहिब दा स्थान बणिया होइआ जी, इत्थे काफ़ी रमणीक स्थान है, क्योंकि रोपड़ दे विच जिन्ने भी रोपड़ आनंदपुर साहिब दे विच जिन्ने भी गुरुद्वारा साहिब ने वो उचाई के उत्ते बने हुए हैं, क्योंकि यह उचाई वाला एरिया सी, एक पहाड़ी एरिया सी। मैं उधरों तुहानू लोकेशन दस देना, जदों तुसीं रोपड़ तो अपने आनंदपुर साहब जाने हो तो मेन रोड पर आ जाता जी कीरतपुर साहब तो 5-6 किलोमीटर पैंदा। इधर आ जी रोपड़ तो इधर आ जी आनंदपुर साहब, वो सामने मेन हाईवे आ जी। तो इधर आ जी गुरुद्वारा तीर साहिब जो कि गुरु साहब ने तीर चलाया सी, इत्थे 1.5-2 किलोमीटर से गुरु साहब ने वार किया सी। बहुत यह भी मतलब जोर वाली गल आ भी गुरु साहब ने 1.5-2 किलोमीटर के उत्ते गुरु साहब ने तीर चला के उस मुगल जिहड़ा फौज सी तोपची सी जो गुरु साहब वाल गोले दाग रहा सी उहदा मतलब अंत किया सी। ते हुण तुहानू अगे आपां जाके दर्शन करवाउणे आ जी गुरुद्वारा तीर साहिब। यह भी मतलब जो गुरु गोबिंद सिंह मार्ग आ ये भी एक उहदा पार्ट आ जी, उहदा एक हिस्सा है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर साहब तो किला छड्डण तो बाद भाई उदय सिंह जी की शहीदी हुई आ, उत्थे जंग होया निर्मोहगढ़ साहब तो गुरु साहब जी का जंग होया, इत्थे गुरु साहब जी ने तीर चलाया सी, वो इत्थे जय मतलब इतिहासिक स्थान जुड़िया होया। इस तो बाद गुरु साहब जी चमकौर साहब गए ने, राह दे विच एक पिंड आउंदा जी बूर माजरा, उत्थे गुरु साहब ने रात कट्टी सी ते इशनान पानी कीता, इतिहासिक खूह उत्थे बणिया होया। ठीक है जी, ये सारा तुहानू दर्शन करवा रहे हैं। तो इधर हजे मिट्टी कच्ची है क्योंकि घा वगैरह लगेगा, तो अंदर महाराज का प्रकाश आ। ठीक है जी, तो आपां पहला दर्शन कर लिए गुरुद्वारा तीर साहिब शाही टिब्बी पातशाही दसवीं। तो इत्थे गुरद्वारा साहब के दर्शन भी करवाए ने, ते तुसी इत्थे देख सकते हो इतिहास भी लिखा हुआ कि जदों 9 लाख के करीब फौजा ने रल के जदों गुरु साहब तो किला छड़ाया सी, तां इस जगह के उत्तों मुगल फौज सी जो तोपां दे गोले चला रही सी, तां गुरु साहब ने जोश दे विच आ के वीर रस जदों पैदा होया तां गुरु गोबिंद सिंह जी ने तीर चलाया, तो तोपां भन्न सुट्टियां, तीर मार के मुगल फौजा के सत्थर विछा दिते सी इह थां दे उत्ते जी। तो जदों गुरु साहब जी किसी मतलब वैरी का अंत भी कर देन, तां उस थां दे उत्ते भी गुरु साहब दा तीर दे आउण दे करके ही इत्थे गुरु साहब दा स्थान बणिया होया जी। निशान साहब दे दर्शन कर सकते हो। ये गुरुद्वारा साहब बहुत मतलब खुली थां दे उत्ते बने हुंदे ने, आले दुआले पहाड़ टिब्बे है ना, तो बहुत वधिया मौसम हुंदा। ठीक है जी, बाकी अज दी वीडियो दे विच जिहड़ी हुण असीं वीडियो दिखाई है जी, वीडियो दे दर्शन करवाए ने गुरुद्वारा साहब दे गुरुद्वारा तीर साहब दे, इहदी आपां अलग तो वीडियो पा दें, क्योंकि मैं छोटियां छोटियां वीडियो भी तां पा रहा, क्योंकि इतिहास ज़्यादा मिक्स ना होवे, क्योंकि वड्डी वीडियो दे विच
फिर वह सारा रल जाता जे किसी ने छेती देखनी होंगी है है ना, तो छोटी वीडियो के इतिहास छेती कवर हो जाता। तो गुरद्वारा तीर साहब के दर्शन करवाए ने हूँ जी। इस तो बाद असी अपने डेस्टिनेशन हैगी है जी गुरद्वारा चमकौर साहब जिथे कि गुरु साहब जी ने युद्ध किया सी। ते ए है जी गुरद्वारा तीर साहब, तो हम इतने गुरु साहब ने तीर चला के मुगल फौजा का सत्थर बिछाया जो कि इतने इतिहास के लिखा हुआ दस्या हुआ। तो बाकी जिहड़े भी संगत चैनल दे नाल नवीं जुड़ रही है जरूर लाइक शेयर सबसक्राइब कर दिओ। गुरु गोबिंद सिंह मार्ग सीरीज़ नूं आपां कवर करांगे। जे कोई गुरद्वारा साडे कोल रहि भी जांदा काली दे विच है ना, कई बार बड़े गुरद्वारा साहब दे विच असीं पहुँच जांदे आ, छोटे जिहड़े मतलब अस्थान ने जो इन्ने फेमस नहीं है गुरु साहब के नाल संबंधित ने, पर तुसीं सानूं कमेंट दे विच भी दस सकदे हो, असीं जरूर पहुँचांगे जी, जरूर कवर करांगे। फिलहाल असीं कवर करन दी कोशिश कर रहे हैं जी गुरु गोबिंद सिंह मार्ग। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। चैनल नूं जरूर लाइक शेयर सबसक्राइब ते सपोर्ट करया करो जी। धन्यवाद जी सारयां दा।